आज की वीडियो का कोई भी इंट्रो नहीं है, बिकॉज ये वीडियो एक अलग पॉइंट से बनाई गई है। तो बेसिकली ऐसा है, सोशल मीडिया पे ना हमारे अगेंस्ट कुछ बातें चल रही हैं, हमें डिफेम किया जा रहा है पूरे ग्रुप को, और काफी ज्यादा ना उस मसले को हाईलाइट किया जा रहा है। पहले वीडियो बनाने का कोई भी पॉइंट नहीं था कि क्यों बनानी है, बट ये हमें मतलब बहुत कुछ बोला जा रहा है। तो मेंबर्स जो है हमारे वो आ चुके हैं। फैजू भाई, क्या हाल चाल है? ठीक हो? दिव्यांशु भाई यहाँ पे, शिबिया, हाँ जी ठीक हो आप भी? अब आपको बताते हैं कि बेसिकली वो मसला क्या है। क्या हो रहा है कि जो हमने रिसेंटली पत्नी टॉप में वो ड्राइव और एक्सपीडिशन की, तो उसमें हमने एक जगह गाड़ियां ना ऊपर चढ़ाई थी। वो कोई पार्क नहीं था, वो ना तो कोई मेडो थी, वो एक घोड़ों का जो रास्ता होता है वो थी, ना तो वहाँ कोई पेड़ और या बगीचा लगा हुआ था जो हमने निकाला। वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ लोगों ने शराब की बोतलें गाड़ियाँ चढ़ा सकते हैं, नहीं चढ़ा सकते हैं, बट विल कम टू दैट पॉइंट ऑन अ लेटर स्टेज। पहले हम आपको थोड़े फैक्ट्स बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद पब्लिक जो है, पब्लिक से बड़ा कोई जज नहीं है। कुछ करना भी है तो वी आर वेलकम की अथॉरिटी कुछ भी करे, बट ये जो अननेसेसरी लोग हैं जो सोशल मीडिया पे, जिनके पास अथॉरिटी नहीं है, वो क्यों बोल रहे हैं? दे आर ब्रिंगिंग डैमेज टू आर इंटेलेक्चुअल फिगर्स, पब्लिक फिगर, हमारी इमेज को, इंटेग्रिटी होती है ग्रुप की, उसको हार्म कर रहे हैं। हम चाहते हैं वर्ड्स यूज कर रहे हैं। आपसे बेहतर बड़ा जज कोई भी नहीं है। हम आपको सारे पॉइंट बताएंगे वन बाय वन, आप हमें बताएं कि हम कहां गलत हैं। आप लोगों को पता है स्मॉल टाउन रेडर ये चैनल है जम्मू का, थिंक इंडिया का सेकंड सबसे फेमस चैनल है। फर्स्ट इज अंशुमन बिश्नोई रिगार्डिंग टू ऑफ रोड फैक्ट्स के बारे में। तो ये क्यों है? जम्मू को कोई नहीं जानता था पहले कि यहाँ पे ऐसी चीजें होती हैं। सब जानते थे कि कश्मीर है, कश्मीर है। जब से आए हुए हम लोग आए हैं, आप आए हैं, मीडिया आया है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो हम पे ना एलिगेशन लग रहे हैं, क्रिमिनल्स बोल रहे हैं, और हमने क्राइम क्या किया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा शोएब भाई ने बताया, वहाँ पे कोई भी क्लियर इंडिकेशन नहीं थी, वहाँ कोई तार नहीं थी, वो ऑलरेडी टूटी हुई थी, और वहाँ पे वो रास्ता ना ऐसा दिख रहा था। ऊपर हमने बाइक्स वाइक देखी भी लगी हुई, और हम गाड़ियाँ इसलिए ले गए क्योंकि हमारी 8 से 10 गाड़ियाँ रहती हैं, तो क्या है कि अगर हम रोड पे लगाते तो उसमें ट्रैफिक हो जाता, तो इसलिए हम गाड़ियां वहां से ऊपर चढ़ा के ले गए। तो हम पे ये है कि हमने ना नेचर को बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया है। हमने वहां गाड़ी चढ़ा दी, ठीक है, हम मानते हैं गाड़ी नहीं चढ़ा, चीज मानते हैं गाड़ी चढ़ा दी, ठीक है, हमारी जान से गाड़ी जा रही है। वहां से क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा घास खराब हो रही है। घास तो 10 दिन में आ जाएगी। जो लोग वहाँ पर शराब की बोतलें तोड़ के फेंक रहे हैं, प्लास्टिक वीडियो में है, वो एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, तब तो नहीं कोई आ रहा, तब उनकी तो नहीं कोई वीडियो डाल रहा कि इनके रिगार्डिंग कंप्लेन फाइल करनी चाहिए, एफआईआर फाइल करनी चाहिए। हमने ऐसा क्या क्राइम किया, हमें पता चला। बेसिकली ये पूरी चीज ऐसे ही बनाई गई है जिससे डिफेमेशन हो। दिसंबर में उसी जगह पे हमने रेस्क्यू ड्राइव की थी, वेयर वी रिकवर्ड मोर देन 25 व्हीकल्स, उसमें से 5-6 की आपको वीडियो दिख जाएगी इसी चैनल पे। स्मॉल टाउन राइडर इज आल्सो नोन एज द रिकवरी बॉय। अच्छा, रिकवरी मोड पे। ओ बस थोड़ा पीछे हो रहा है, थोड़ी सी ऊपर लगी हुई थी, ज्यादा मसला नहीं है, लेकिन एक बार टायर स्पिन करने लग जाए तो फिर दिक्कत होती है क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है। हाँ भैया, नहीं नहीं कुछ 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 नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब थोड़ा रिवर्स करो, थोड़ा रिवर्स, रिवर्स डालो, थोड़ा सा एक्सेलरेट करो, आस्ते आस्ते में, बस 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 बस। वहाँ पे लोकल्स 2000 ले थे गाड़ी निकाले, हमने वो सारी फ्री गाड़ी निकाली, मतलब कि हम खुद ही लेबर कर रहे हैं। अगर आप वो वीडियो देख रहे हो, हम खुद ही शॉवल भी चला रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं, टो स्टैप ले रहे हैं, क्यों, ताकि किसी की हेल्प कर पाए। और हम पे एलिगेशन क्या है कि हम ही वो लोग हैं जो ये सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमने 26 जनवरी को एंटी ड्रग ड्राइव की, चाहते हैं कि आज का यूथ जो ड्रग्स में पड़ गया वो वहाँ से छूट के कोई प्रोडक्टिव काम करे। अब यहाँ पे अपने ही लोग, हमारे सबसे दुख की बात है कि अपने ही लोग जम्मू के स्पेशली उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के लोग इतना हमारे एंटी हो चुके हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा यार। लोग वहाँ पे दारू की बोतलें फेंक रहे हैं, पत्नी टॉप में कितना गन डाल रहे हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, शराब। हमने वीडियो में दिखाई भी है कि बोतल्स दिखाई हैं, देखो आपको क्लिप्स दिख जाएंगी, दिसंबर ड्राइव की भी, रेस्क्यू ड्राइव की भी, और जो वहाँ पे ऑलरेडी गन था, हमारा गन नहीं, और उसके पहले की वीडियो भी देगी। आप खुद बताएं वहाँ पे कितना घास था, और हमारा ग्रुप जब भी कहीं जाता है गंद वगैरह अपने गाड़ी लेके यहाँ पे फेंकते हैं साइड पे, वहाँ कोई भी नहीं होता। हमने इसके अलावा भी एक और राउंड द क्लॉक रिकवरी की स्कीम निकाली थी। कोई भी रात को फंस जाता है कहीं, कितने बजे भी, चाहे 12 बजे 1 बजे, वो हमें मैसेज कर सकता है, हम उसकी हेल्प करने को रात को भी आएंगे। आप कहीं ऑफ रोडिंग कर रहे हो, फंस गए हो, B8 आपकी गाड़ी खराब हो गई। ये पॉइंट उस चीज के लिए है कि कुछ लोगों ने लिखा है कि भाई थार है, 4x4 है, तो उसके साथ हम लोग ये चीजें कर रहे हैं। कोई ये नहीं देख रहा कि हम उसके साथ रिकवरीज कितनी करते हैं,
हेल्प कितनी करते हैं। यही थार दिसंबर महीना था बर्फ में, यही थार काम आई थी। हाँ। कोई गाड़ी काम, और कोई का गाड़ी काम नहीं है। यहाँ पे क्या है कि बस 4x4 गाड़ी है आपके पास, तो इसका मतलब आपने हुड़दंगी मचाना है सिर्फ, हमें पोटरे ऐसे किया जा रहा है। बड़े टायर हैं तो कहीं पे भी चढ़ा दोगे, ऐसी बात नहीं है। तो फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, तो जो नीचे से रास्ता है पत्नीटॉप वापस जाने का, इन्हीं बड़े टायर ने वहाँ पे, जब कोई स्नो पेविंग की मशीन नहीं थी, जब स्नो कटिंग की मशीन नहीं आई, तो इन्हीं टायर ने रास्ता बनाया और लोकल्स उसी पे से गए थे और लोकल्स ने हमें थैंक यू बोला था। बट आप लोग जो डिफेम कर रहे हो, इट्स वेरी रॉन्ग। ये सारी बातें तो थी जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स के मन में थी। बुरा लगता है, सब लोग एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, सोशल मीडिया पे हमें क्रिमिनल्स हैं, इन लोगों को सेंस नहीं है, पैसा है, अकल नहीं है, बड़ी सारी चीजें ऐसी बोली जाती हैं जो बुरी लगती हैं। और अब मैं कुछ ना आपको अपने पॉइंट बता दूं यार, देखो बड़ा हार्ड वर्क करके आज मैं जहां कहीं भी हूं ना, बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं। जब स्टार्ट की थी मैंने, मुझे तब भी उस टाइम भी ये चीज कही जाती थी कि जैसे जम्मू जैसी जगह है ना, जहां पे उठ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहां पे ना आपको अपने ही हमेशा खींचेंगे। और वो चीज आज मेरे साथ बिल्कुल सही साबित हुई। जो लोग ये चीजें कर रहे हैं वो मुझे पर्सनली भी जानते हैं, जब मैं यूनिवर्सिटी में हुआ करता था तो जिन्होंने ये मुहिम शुरू करी है मैं उनको जानता हूँ, वो भी मुझे जानते होंगे, डेफिनेटली जानते होंगे। बट मुझसे क्लियरली बात करने की बजाय, मुझे कुछ बोलने की बजाय, सीधा सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ बोलना शुरू कर दिया गया, बड़े बड़े ऑफिशियल्स को टैग करना शुरू कर दिया गया कि इन्हें अरेस्ट किया जाए, इनके खिलाफ FIR की जाए। सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है यार, क्रिमिनल्स कह रहे हैं हमने क्या क्राइम कर दिया, हमने किसी का मर्डर कर दिया, सिर्फ एक सूखी जगह पे गाड़ी चढ़ा दी और वो इतना बड़ा क्राइम हो गया कि मतलब हमें जेल में दे दो। आप लोग अगर हमारी वीडियोस देख रहे हो आज, आपको पता है कि सोसाइटी के हालात कैसे हैं, ठीक है, चाहे वो रिलीजन है, चाहे वो कास्ट है, बंदा बंदे को ना मारने पे आया हुआ है। हम लोग सब कास्ट से बिलोंग करते हैं, सब रिलीजन से बिलोंग करते हैं, और किस तरह हम रहते हैं, हमारा ये सोसाइटी को मैसेज है। कोई ये चीजें नहीं देख रहा है कि हमने सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, सोसाइटी को मैसेज देने के लिए क्या चीज की है। सिर्फ एक चीज जो शायद उतनी गलत नहीं है, हमने, मैं मतलब अपने लॉ कॉलेज में गया ना, फर्स्ट टाइम जो हमारी क्लास थी उसमें एक ही चीज कही कि लॉ इज नथिंग बट जस्ट अ कॉमन सेंस। कॉमन सेंस है कि हमने क्या डिस्ट्रॉय कर दिया, कितना डिस्ट्रॉय कर दिया, और अगर कर भी दिया तो अथॉरिटीज एक्शन लेने के लिए है, पर हमें इतना डिफेम मत करो, ये एक रिक्वेस्ट है। हम लोग कहीं जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं हमसे मिलने के लिए, ठीक है, अगर हम इतने ही गलत हैं, इतनी ही गलत चीजें हम करते हैं, इतने ही क्रिमिनल है, कोई भी माँ बाप ना अपने बच्चे को लेके कभी नहीं आएगा आपसे मिलवाने के लिए ना, अगर हम इतने गलत हैं। बट काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, और मुझे मतलब मैं घर गया और मेरा पीस ऑफ माइंड इस चीज की वजह से खत्म हो गया। सब हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए और ये बोलिए कि भाई हम इतने गलत नहीं है। आज जम्मू और किसी चीज में कहीं स्टैंड कर रहा है नहीं कर रहा, लेकिन ऑफ रोडिंग के मामले में हम दूसरे नंबर पे हैं, तो ये अपने आप में भी एक बड़ी चीज है। हम नशे करना प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को प्रमोट कर रहे हैं कि आप एक गाड़ी खरीदो, उससे ऑफ रोड करो, एक पॉजिटिव वे में उस चीज़ को लिया जाए। हम लोग चाहते हैं कि यार प्लीज़, जो लोग हमारे साथ हैं, जिन्हें लगता है कि हम गलत नहीं हैं, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक भी पहुँचे। और देखो, किसी के खिलाफ कोई हेट नहीं है, मैं किसी को मेंशन नहीं कर रहा हूँ, किसी का इंस्टाग्राम पेज मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मेरे को हेट नहीं चाहिए किसी के खिलाफ, सिर्फ कि यार गलत बोलने से पहले ना एक बारी सोच लेना चाहिए कि आप बोल रहे हो और सामने वाले पे उसका क्या असर होगा, ठीक है ना। सोशल मीडिया का ये मतलब नहीं होता, हम लोग सोशल मीडिया पे हैं, हम भी इन्फ्लुएंसर हैं। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मेरी यही रहती है कि मैं जो भी बोलता हूँ मैं वो सोच के बोलूँ, सिर्फ कि मेरी वजह से किसी को हेट ना मिल जाए। भाई हम लोग ये चाहते हैं कि अगर कोई जा रहा है तो वो जो प्लास्टिक के आप रैपर फेंकते हो, दारू की बोतलें वहां होती हैं, वो चीज़ ना की जाए, जो कि सच में उतनी गलत है। और शायद हमारी गाड़ियां जिनसे घास उखड़ गया जो 10 दिन में वापस आ जाएगा, वो उतनी गलत नहीं थी, जिसे आज पोर्ट्रे किया जा रहा है, पता नहीं क्या कर दिया है ऐसा। अगर आपने देखा है तो जहाँ पे टायर स्पिन कर रहे हैं वहाँ उतना घास था भी नहीं, जड़ी सी थी एक, तो पता नहीं इतना केड़ा नुकसान हुआ जेड़ा कि मतलब साढ़े अगेंस्ट FIR होनी चाहिए। कल्प्रिट्स ने, क्रिमिनल्स ने, स्टूपिड पीपल ने, इन्हें कोई सेंस नहीं है। क्या है, रमन भी अभी आ चुके हैं, रमन भी क्या हाल चाल है? थोड़े लेट हो गए तो हमने क्या वीडियो शूट कर लिए। हाँ, ईशान भाई भी क्या हाल चाल है, ठीक हो? तो हम लोग सबसे यही अपील करते हैं कि सारे इस वीडियो के नीचे कमेंट करो अपने थॉट्स, हम अच्छे हैं, सही गलत है, बस आप जज हो, सब करो, बट हमें बताओ आप क्या सोचते हो। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इस वीडियो की शॉर्ट क्लिप बना के, हम IGTV भी बनाएंगे, वो भी शेयर करेंगे, उसको भी आगे आप शेयर करो, और फिर आपसे बड़ा, पब्लिक से बड़ा जज कोई भी नहीं है। थैंक यू।